क्रम का ध्यान किधर है? गॉड गॉड तो इधर है। ताबड़तोड़ बरसते मिसाइल की तस्वीरें फाइल शॉट्स हैं। लेकिन ठीक ऐसी ही हकीकत में तैयारी कर ली गई। रूहानी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अमेरिका और इसराइल को भनक तक नहीं लगी। ट्रंप ईरान के एटम बम का रोना रोते रहे, इसराइल ईरान के एटमी ठिकाने को टारगेट करता रहा, और इधर ईरान ने रातों रात पूरी की पूरी मिसाइल सिटी तैयार कर ली। दुनिया को हैरान करने वाली, ट्रंप को परेशान करने वाली और नेतन्याहू की नींद उड़ा देने वाली। लेकिन अब ये दुश्मनी जंग के हालात तक पहुंच गई। एक ओर है ईरान और दूसरी ओर है इसराइल और उसका सरपरस्त अमेरिका। दोनों को चेतावनी देते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि उसने एक मिसाइल सिटी बना ली है जो दुश्मनों को पल भर में खत्म कर देगी। ये मिसाइल सिटी कैसी है और किस हद तक खतरनाक है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लगे हाथ ईरान ने बगैर नाम लिए इसराइल और अमेरिका को चेता दिया है कि वो इस मिसाइल सिटी का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का निर्माण दुश्मन देशों के हमलों से बचने के लिए किया है और जरूरत पड़ने पर वो यहीं से पलटवार भी करेगा। ईरान की यह मिसाइल सिटी पूरी तरह से जमीन के अंदर है। कंक्रीट की दीवार चारों तरफ बनाई गई है। बताया जा रहा है कि कंक्रीट की ये दीवारें 5 लेयर में है जो पूरी तरह से बम प्रूफ या यू कहें एटम बम प्रूफ है। मतलब रूहानी की इस मिसाइल सिटी पर ऊपर से एटम बम गिराया जाता है तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। कहा जा रहा है कि रूहानी की मिसाइल सिटी में अलग अलग सीक्रेट बंकर बने हुए हैं। वर्ल्ड वॉर के हालात में जरूरत पड़ी तो रूहानी या फिर ईरान के ताकतवर नेता कुछ समय के लिए मिसाइल सिटी के सीक्रेट बंकर में जाकर छिप सकते हैं। मतलब रूहानी ने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि वर्ल्ड वॉर के हालात में अमेरिका कम से कम रूहानी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईरान में नतांज के न्यूक्लियर साइट पर साइबर अटैक से रूहानी तिलमिलाए हुए हैं। 2 जुलाई को ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर आग लगी और धमाके हुए। माना जा रहा है कि ये इसराइल का साइबर अटैक है और इस हमले के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को करारी चोट लगी। असल में ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए जाने के बावजूद अमेरिका और इसराइल को लगता रहा है कि नतांज के इसी न्यूक्लियर साइट पर ईरान परमाणु बम के लिए चोरी छुपे यूरेनियम बना रहा है। इसराइल को लगता है कि ईरान उसके दुश्मनों को परमाणु बम और मिसाइल मुहैया करा सकता है, इसलिए नतांज पर हमले के साथ ही इसराइल के F-16 स्टील फाइटर जेट ने पार्चिन इलाके में ईरान की मिसाइल सिटी फैक्ट्री पर भी बमबारी की और उसे नेस्तोनाबूद कर दिया। इसके बाद ईरान का गुस्सा भड़का है। हालांकि इसराइल ने इन हमलों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन ईरान खुलकर कह रहा है कि अगर साइबर अटैक के जरिए उसे निशाना बनाया गया है तो वो जवाब जरूर देंगे। ईरान का जवाब मिसाइल सिटी के तौर पर सामने आया है। हालांकि इसके पहले ईरान की मिसाइल टनल की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां ईरान जोर शोर से मिसाइल बनाने के काम अरसे से कर रहा है। लेकिन अब स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम फारस और ओमान की खाड़ी के किनारे उसकी मिसाइल सिटी इसराइल और अमेरिका की मुश्किल बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, ईरानी नौसेना फारस की खाड़ी में होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी कर रही है। इस रास्ते से होकर दुनिया का 20% तेल का व्यापार होता है। ईरान पहले भी इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे चुका है और अगर तनाव बढ़ता है तो फारस की खाड़ी जंग का मैदान बन सकती है, जहां पहले से अमेरिका और ईरान की तनातनी है और अब वहीं ईरान मिसाइल सिटी बनाकर तैयार है।